hello students today we are going to discuss about tenses look at here here uh, three different types of uh, sentences is written first one is i write this letter second i wrote this letter i shall write this letter see look different types of verb write wrote shall written is used in in these 3 different uh, sentences so we can say that with the help of different types of verb we can identify the tenses sahi so, yeah. hai tenses ko identify karna hai to hame focus kiske upar karna padega हमें कौन से वर, कौन से वर्ड को बहुत ध्यान से कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान से देखना पड़ेगा तो वो है वर्ब ले, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस uh, में लिखा है राइट दूसरे में लिखा है रॉट एंड तीसरे में लिखा है शेल राइट माने ये तीनों तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब है इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस डिफरेंट टेंसेस में होते हैं सही बेसिकली देर आर डिफरेंट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस लुक पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस टेंस किसे कहेंगे द ऐसे एक्शन जो ऑलरेडी हो चुके हैपन हो चुके हैं उससे हम कहेंगे पास्ट टेंस सही जो पास्ट में हो चुका है प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे जो अभी चल रहा है या इन नियर फ्यूचर वो होने वाला है वो प्रोग्रामड है बेस्ड है प्रोग्राम बेस्ड है तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस किसे कहेंगे जो इन फ्यूचर होने वाला है सही अभी हुआ नहीं है जो फ्यूचर में होने वाला है उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस सही अब ये तीनों टेंस अगेन डिवाइड होते हैं फोर डिफरेंट पार्ट में जैसे पास्ट टेंस तो वो डिवाइड होता है सिंपल पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वैसे ही प्रेजेंट टेंस को देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ओके वैसे ही अगर फ्यूचर को देखा जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ओके वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंटेंस सिंपल प्रेजेंटेंस माने कब यूज में आता है तो सबसे पहले किसी की अगर हैबिट दिखानी है या डेली रूटीन दिखाना है तब हम सिंपल प्रेजेंटेंस यूज करेंगे माने टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन सही है सेकंडली कब यूज करेंगे टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स है ना यूनिवर्सल ट्रूथ हम जिसे कहेंगे वो जनरल ट्रूथ दिखाना है तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं अब तीसरा होता है इवेंट्स दैट टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट अभी जो एक्शन चल रही है सही है और उसको अगर हमें दिखाना है तब हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल मैंने फ्यूचर में जो एक्शन होने वाली है पर फिक्स है कि ये इतने बजे या इतने वक्त पे वो हो ही जाएगी तब हम बताएंगे उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सही है सो देर आर मेनली फोर यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंटेंस टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स थर्ड वन इवेंट्स दैट टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट एंड थर्ड फोर्थ वन द एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल ओके ना वी विल सी द एगाम्पल्स फर्स्ट वन ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग माने उनकी डेली रूटीन हुई या उनकी हैबिचुअल एक्शन हुई सेकेंड एग्जाम्पल आई गेटअप एवरी डे एट फाइव ओ क्लॉक सही है थर्ड वन फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव माने लक भी उन्हीं को हेल्प करता है जो ब्रेव है सही है तो ये हुआ हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ सही है there she goes. ये एक स्पेशल टाइप है जिसमें हमें अगर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दिखाना है हियर या धेर से स्टार्ट होता हुआ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दिखाना है तब इस तरीके की फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट सेवन टुमोरो मॉर्निंग ये इवेंट अभी नहीं हो रही है प्रेजेंट में नहीं हो रही है फ्यूचर में होने वाली है बट फिक्स्ड है इसीलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं वेन डज द कॉफी शॉप रीओपन सही है अगर हमें कुछ इंक्वायरी करनी है या ऐसा कुछ है तब हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं सही है अब इसमें एक स्पेशल नोट है जैसे इट इज ऑल्सो यूज इन कॉमेंट्री ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स माने आप जो कॉमेंट्री सुनते हो ना टीवी पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड कॉमेंट्री सुनते हो तो उसमें भी यही टेंस यूज में आता है इट इज ऑल्सो यूज इन क्लोजिस ऑफ टाइम एंड ऑफ अ कंडीशन अब इसका एग्जाम्पल देखिए आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर वर्क सही है स्टार्टिंग देखिये आई शेल वेट माने हम वेट कर सकते हैं इट्स नॉट अ प्रेजेंटेंस बट सेकेंड पार्ट देखिये टिल यू फिनिश योर वर्क माने जब हम क्लोज यूज करते हैं कौन कौन से कंडीशन या टाइम क्लोज तब हम ये सिंपल प्रेजेंटेंस यूज कर सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल देखिये इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट सही है अगर बारिश होगी कंडीशन तो हम पूरे वेट हो जाएंगे सही है तो ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसमें कंडीशन या टाइम क्लोज यूज किया जाता है तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंटेंस यूज में आता है नाउ नाउ वी विल सी अबाउट द फॉर्मेट ऑफ सिंपल प्रेजेंटेंस माने अगर सिंपल प्रेजेंटेंस का अगर हमें सेंटेंस लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं जैसे मैथ्स की फॉर्मूला होती है ना वैसे ही इसका भी एक फॉर्मेट होता है कि हमें इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो ये ये टेंस का सेंटेंस माना जाएगा है ना तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंटेंस का फॉर्मेट देखेंगे वो भी देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट उसके बाद हमें लिखना होता है वी वन माने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे हम कहेंगे वी वन वो हमें लिखना होता है और उसके बाद होता है अदर वर्ड्स है ना एग्जांपल देखिए आई सिंग अ सॉन्ग सही है सब्जेक्ट वी वन प्लस अदर वर्ड्स हाँ पर ये फॉर्मेट कब चलेगा जब एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल है माने अगर एज अ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब ये फॉर्मेट काम में नहीं आएगा वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट सही है माने अगर एज अ सब्जेक्ट ही सी ईट है या सिंगुलर थर्ड पर्सन है तब हमें एज अ सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हमें वी वन माने बेस फॉर्म के साथ एस या ऐड yes करना होता है है ना जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई सिंग पर जैसे ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया हमें वर्ब बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना होता है और उसके बाद हम अदर वर्ड्स यूज करते हैं इज इट ओके अब एस या ई एस कैसे लगाएंगे तो हम, हमें पता है वो uh, कौन से रूल्स सिंगुलर प्लूरल वाले रूल, रूल्स पता है वो रूल्स के हिसाब से हम एस या ई एस लगाएंगे ओके नाउ नेक्स्ट वन ये हमने बात की आगे कौन से पॉजिटिव सेंटेंस की अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंस में हमें फर्क क्या आएगा सब्जेक्ट तो वही रहेगा वी वन जो लिखेंगे वी वन उससे पहले डू do या डज लिखा जाएगा है ना जैसे अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्लुरल है तो हम यूज करेंगे डू पर एज अ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हम यूज करेंगे डज ही डू नॉट सिंग सॉन्ग ये नहीं लिख सकते इसके बजाय हमें लिखना पड़ेगा क्या ही डज नॉट अगर हमने ये लिख दिया डू नॉट तो वो गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर तो जब हम टू डू का फॉर्म यूज करेंगे तो हमें डज यूज करना पड़ेगा ही डज नॉट सिंग सॉन्ग हाँ, अगर इसकी जगह पे आई होता तो हम डू यूज कर सकते थे आई डू नॉट सिंग सॉन्ग ओके इतना ध्यान में रखिए कि एज अ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें पॉजिटिव uh, सेंटेंस में एस yes या ऐड yes करना है और नेगेटिव सेंटेंस में डज एड करना है ओके नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है माने डू do या डज उसको हमें स्टार्टिंग में लेना है उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड सही अब यहां पे भी वही रूल लगेगा डू कब यूज करना है एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्लुरल है तब और डज कब यूज करना है एज अ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब जैसे यहां पे हमने लिख दिया डू ही अ सॉन्ग तो ये गलत है हमें लिखना पड़ेगा डज ही अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क तो कंपल्सरी है ही है ओके सो so, ये तीनों फॉर्मेट हमने देख लिए पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अधरवर्ड सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस या एस प्लस अदर वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस वर्ड. ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड टेंस सेकंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लुक एट योर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूस मीन्स द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन सही है सपोज यहाँ पे लिखा है कि फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग माने जब हम बात कर रहे हैं या कुछ बात हो रही है तब जो एक्शन गोइंग ऑन है जो एक्शन चल रही है उसे हम उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सही है जैसे आ, नीचे वाला एक एग्जाम्पल देखिए, शी इज सिंगिंग नाउ सही है माने अभी यही एक्शन हो रही है वो अभी प्रोसेस में है चल रही है सही अब नेक्स्ट यूज है उसका फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एज माने जो एक्शन हो रही है पर जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब वो एक्शन नहीं हो रही है है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम उसके लिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा है आई एम रीडिंग भगवत गीता सही है मैं भगवत गीता रीड कर रही हूं माने मेरी वो एक्शन चल रही है बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट ये मोमेंट पे अभी मैं रीड नहीं कर रही हूं पर वो मेरी रीडिंग की प्रोसेस कंटिन्यूशन में है इसलिए हम उसको लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सही है एंड थर्ड वन फॉर एंड एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेन्ज्ड टू टेक प्लेस इन द इन द नियर फ्यूचर सही है अभी बहुत जल्दी वक्त में माने बहुत नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाली है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बता सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है माई आंट इज विजिटिंग टूमोरो मेरी आंट कल आ रही है सही है माने एक्शन अभी नहीं हो रही है वो नियर फ्यूचर में फिक्स है तब हम लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ओके देर आर सम नोट्स माने कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रख सकते हैं जैसे द फॉलोइंग वर्ब आर नॉट नॉर्मली यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म कुछ वर्ब ऐसे है जिसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शंस जैसे सी ही स्मेल एक्सेट्रा सही है वर्ब्स ऑफ अपियरिंग मान अपियर लुक सीम वर्ब ऑफ इमोशन वॉन्ट विश फील लाइक एक्सेट्रा वर्ब ऑफ थिंकिंग सपोज बिलीव ट्रस्ट एक्सेट्रा एंड हैव माने पोजीशन like, uh, के कुछ वर्ब्स है जैसे ओन बिलोंग टू कंटेन कंसिस्ट ऑफ ये सारे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते या हम नॉर्मली उसको कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं सही है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें पता है कि सिंपल uh, टेंस में हमने फॉर्म का यू वर्ब का यूज किया था फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही है यहां पे हम यूज करेंगे उसका आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब सही है अब पॉजिटिव जो सेंटेंस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा सब्जेक्ट प्लस टू बी के जो फॉर्म होते हैं टू बी के प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म होते हैं एम इज आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड है ना सपोज हमने यहां पे एग्जांपल लिया है द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी सही सब्जेक्ट एम इज आर वन टू बी का फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द मेन वर्क अब नेगेटिव कैसे बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्क तो है हमारे पास एम इज आर हमें सिर्फ एड करना है नॉट सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्क प्लस अदर वर्ड है ना द बॉयज आर नॉट प्लेइंग हॉकी वैसे ही इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्क जो है एम इज आर उसको हम आगे ले जाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड सही है जैसे आर द बॉयज प्लेइंग हॉकी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ओके सो अवर नेक्स्ट टॉप

just just is the word that indicates the action is completed just before okay now second to express past actions whose time is not given and not definite कुछ ऐसे actions होते हैं जिसका हमारे अंदर वो उसमें कुछ time fix नहीं होता या time definite नहीं होता तब हम ये tense use कर सकते हैं है ना एग्जाम्पल है मिस्टर हरी हैज बिन टू जापान सही है मिस्टर जापान में है पर कब से है वो हमें पता नहीं है सही तो ये एक बात हुई थर्ड वन वेन वी थिंक मोर ऑफ द मोर ऑफ देर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इट सेल्फ माने हम वो एक्शन कब हुई या पास्ट में शुरू हो गई है पर अभी उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है तब भी हम ये टेंस यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है आई हैव कट माई फिंगर माने मेरा फिंगर कट गया अभी ये एक्शन तो खत्म हो गई पास्ट में हो गई तो हमने यहाँ पे हैव कट क्यों लिया बिकॉज इट्स इफेक्ट इज गोइंग ऑन उसकी इफेक्ट अभी चल रही है माने ब्लीडिंग अभी भी उसमें हो रहा है ऐसा कुछ हमें दिखाना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं एंड लास्ट वन टू डिनोट एन एक्शन बिगिन एट द सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूटिंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट सही है ऑफन विद द सिंस एंड फॉर फ्रेजेस माने कुछ एक्शन पास्ट में शुरू हो गई है और अभी भी वो गोइंग ऑन है कंटिन्यूटी में है सही है तब भी हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है वी हैव लिव्ड हियर फॉर फाइव इयर्स माने हम पांच साल से यहां पे रह रहे हैं माने शुरुआत हुई थी पांच साल पहले फाइव ईयर्स बैक बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन इट्स तब हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके नाउ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं है ना जैसे द फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेसिस कैन बी ऑल्सो बी यूज विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है जैसे uh, यहाँ पे दिया है नेवर uh, एवर अगर हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं सही है तो हम यूज कर सकते हैं नेवर एवर सेकेंड वन है सो फार टेल हाउ यट इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बनाना है या नेगेटिव फॉर्मेट बनाना है तो हम ये सारे फ्रेजिज यूज कर सकते हैं ऑलरेडी टूडे दिस वीक या दिस मंथ सही है एक्सेट्रा जो फ्रेजिज है हम ये टेंस में यूज कर सकते हैं ओके नाउ फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस जो बनेगा उसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री माने पास पार्टिसिपल ऑफ द वर्क प्लस अदर वर्ड सही है जैसे यहां पे हमने एग्जांपल लिया है वी हैव लिव्ड हियर फॉर टेन इयर्स सब्जेक्ट

प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड सही है हमें सिर्फ ऐड करना है नॉट वी हैव नॉट लिव्ड हियर अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है माने हैव या मानेज है उसको आगे ले जाओ फिर सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड हैव यू रीड द गीता क्या आपने गीता रीड किया है सही ओके तो ये हुए हमारे फॉर्मेट्स पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ओके नाउ द नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना जैसे इसका जो नेम है वही इंडिकेट करता है कि ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूस टेंस और हमें पता है कि परफेक्ट टेंस में हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं टू हैव का और कंटिन्यूस माने आई एन जी फॉर्म सही है तो ये दोनों का कंबाइन करके हम ये वाला टेंस फॉर्म कर सकते हैं सही अब ये फॉर्म का यूज कब होता है ये टेंस का यूज कब होता है तो एक्शन विच बिगेन एट द सेम टाइम टाइम इन द पास्ट एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग माने पास्ट में जो शुरू हुई है और अभी भी वो चल रही है या पास्ट में शुरू हुई है और जस्ट अभी खत्म हुई है ये दो कंडीशन में आप ये वाला टेंस यूज़ कर सकते हैं जैसे एग्जांपल दिया है ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर फाइव आवर्स एंड इज स्टिल स्लीपिंग माने वो पिछले पांच घंटे से सो रहा है और अभी भी वो सो ही रहा है सही माने एक्शन शुरू हुई थी बिफोर फाइव आवर्स एंड अभी भी वो गोइंग ऑन है सेकंड एग्जांपल दिया है दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स माने काफी मंथ्स हो गए वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट uh, कर रहे हैं पर अभी भी वो चल रहा है वाई आर योर क्लोथ सो वेट सही है अब इसका फॉर्मेट क्या बनेगा जैसे मैंने आगे भी बताया आपको कि इसके फॉर्मेट में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है टू हैव का एक फॉर्मेट लगेगा और आई एनजी फॉर्म लगेगा सही अब ये परफेक्ट टेंस है इसलिए हम बीच में ऐड करेंगे बिन सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्क प्लस अदर वर्ड ये कौन से टाइप का हुआ पॉजिटिव टाइप का है ना एग्जांपल आई हैव बीन वर्किंग सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस आई एन जी फॉर्म सही है अब नेगेटिव में कैसे बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आई एनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड सही है और इंट्रोगेटिव में एज इट इज कैसे बनेगा हैव या हैज को हम आगे ले जाएंगे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब ओके